Hello dear student, here I am Sangeeta. Today in this lecture we will be discussing about chapter number 6 physical and chemical changes. हम लोग ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और उसको देखना हो तो आप लास्ट वीडियोस हमारे देख सकते हो. नाउ आज हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं. उससे पहले तो चेंजेस क्या होता है वो हम डिस्कस कर लेंगे. चेंजेस क्या होता है मतलब कोई भी चीज़ में बदलावट, सो उसी को हम क्या बोलते हैं, चेंजेस. तो चेंजेस जो हैं वो दो पार्ट्स में, और ये जो चेंजेस हमारे लाइफ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारे लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों समझना है. सो इट इज़ कि चेंजेस हमारे डे टू डे लाइफ में कौन से चेंजेस होते हैं, किस तरीके के चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए. एज़ फॉर एग्जाम्पल, अब जब मॉर्निंग में उठते हैं सो हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश जो है वो पॉलीमर से बना हुआ है, एंड जो टूथपेस्ट है उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स हैं जो हमारे टीथ को वेरियस टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है. सो दिस ऑल जो है ये सारे केमिस्ट्री में आ जाते हैं. तो ये सभी चीज़ें आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में आपको पढ़ना पड़ता है. सो फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो है, चेंजेस को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. पहले उससे पहले हम ये देख लेते कि चेंजेस किस तरीके से हो सकता है, चेंजेस कौन से होते हैं. Now, changes can be of many types. In our day-to-day life, changes occurs as, हम day-to-day life में अगर हम देखें कि, या तो फिर normally अगर मैं example लूँ एक elastic rubber का, elastic rubber को आप अगर stretch करते हो तो उसकी जो size होती है वो change हो जाती है. So that is a physical change. तो physical change हो रहा है, and then उसके बाद में अगर हम उसको relax छोड़ दें so वो अपने size पे फिर से contract हो जाते हैं और अपना original shape जो है वो ले लेता है. तो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज कंक्लूडेड इनटू द फिजिकल चेंजेस. और फिजिकल चेंजेस में मोस्ट ऑफ टाइम रिवर्सिबल एक्शंस हो सकते हैं, जो कि ओरिजिनल स्टेट में, जो अगर कोई भी स्टेट है वो ओरिजिनल स्टेट में फिर आ जाए तो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी इन फिजिकल चेंजेस. और फिजिकल चेंजेस में कोई भी टाइप के न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म नहीं होते हैं. हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को डिटेल में पढ़ेंगे. और केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ये पूरी तरह से एक नया प्रोडक्ट भी फॉर्म हो जाता है. जैसे कि हमने एसिड बेस और सॉल्ट में पढ़ा कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उसमें से एक नया प्रोडक्ट बनता था, दैट इज सॉल्ट एंड वाटर, और एनर्जी प्रोड्यूस होती थी. तो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी इन केमिकल चेंजेस. सो एग्जाम्पल्स के हैं, दैट इज स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड. रबर बैंड को अगर हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो उसका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा, स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा. नाउ सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से दही बनना, कर्ड बनना, तो वो भी क्या हो गया, एक चेंज हो गया. और दिस इज़ अ केमिकल चेंज, बिकॉज जो मिल्क है वो कर्ड में चेंज हो गया. तो अब जो उसको ओरिजिनल स्टेट में हम तो लेकर नहीं आ सकते, कर्ड को हम मिल्क में फर्दर कन्वर्ट कर सकते हैं नहीं, तो एक नया प्रोडक्ट बना. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी एन केमिकल चेंजेस. डिजॉल्विंग शुगर इन द वाटर, वाटर में जो शुगर डिजॉल्व हुआ है तो उसको हम एक स्टेट में फिर से शुगर को हम ऑप्टेन कर सकते हैं इवोपरेशन के थ्रू. सो दैट दिस टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी इन फिजिकल चेंज. Now, changes is broadly divided into two types, that is physical change and chemical change. Physical change क्या होता है, it is a permanent or a temporary change, sorry, it is a temporary change in which no new substance are formed. जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कोई भी नया substance जो है वो form नहीं होता है, temporary change ही होता है, and it is generally reversible. It is generally reversible. Reversible change होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे जो physical state है वो original state पे आ जाए. तो it is generally reversible change. Such that composition of substance does not change. उसमें composition जो है, जो previous जो composition होता है वो उसका property जो है वो change नहीं होता है. तो that type of changes is known as to be in physical change. A change in which a substance undergoes its physical properties is called as physical change. अगर उनकी जो physical properties में अगर changes आती है तो then it is known as to be in physical changes. अब physical properties में कौन से चीज़ें हो सकती है, that is उनका अगर color जो है वो change हुआ हो, या तो फिर shape change हुआ हो, size change हुआ हो, या तो फिर उनका state मतलब solid, liquid और either in gas. Example के साथ हम समझ लेंगे, that is dissolving sugar,
मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड घी, जैसे कि कैंडल होता है, कैंडल का जो वैक्स होता है वो थोड़ी देर के बाद, जैसे अगर हमने उसको लाइट अप किया हुआ है कैंडल को, तो वो उसका वैक्स जो है वो नीचे जाकर डिसॉल्व हो जाता है, नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है, तो उस वैक्स को हम दूसरी बार भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी फिजिकल चेंजेस. और जो वैक्स है वो वैक्स हमें फिर से उसी फॉर्म में मिल सकता है. नाउ घी का एग्जाम्पल, घी जैसे कि वो सॉलिडिफाइड फॉर्म में रहता है, सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है, जब उसको अगर हम बॉईल करते हैं, थोड़ा हीट देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो इधर क्या चेंज हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है. सो दीज ऑल चेंजेस इज नोन एज टू बी इन फिजिकल चेंज. नाउ बॉइलिंग वाटर, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, एग्जाम्पल बेस्ट एग्जाम्पल है आइस क्यूब. फ्रीजर में से आपने आइस क्यूब निकाला एंड देन आपने एक कंटेनर में उसको रखा हो, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. पर जो आइस क्यूब था वो वाटर ही था, एंड देन उसमें स्टेट उसका खाली चेंज हुआ इनटू अ लिक्विड स्टेट. और अगर उसको हम बॉइल करेंगे तो उसमें से क्या होगा, इवोपरेशन निकलेगा, इवोपरेट होगा वाटर, बट वो वाटर का वाटर ही रहेगा. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी एन फिजिकल चेंज. इसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है. नाउ केमिकल चेंजेस, अ चेंजेस इन विच स्टेट एज वेल एज कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस. इसमें या तो फिर स्टेट भी चेंज हो सकता है, कलर भी चेंज हो सकता है, और तो और उनका जो शेप है, साइज है, वो भी चेंज हो सकता है, और उनका जो कॉम्पोजिशन है, जो उसमें मटेरियल है, वो भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं बाई विथ इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी. या तो फिर एनर्जी वो रिलीज करेगा, या तो फिर एनर्जी वो गेन करेगा. इट इज़ परमानेंट चेंज एंड इरिवर्सिबल चेंज. इट इज़ अ इरिवर्सिबल चेंज, मतलब वो फिर से ओरिजिनल स्टेट पे, वो जो कॉम्पोजिशन है वो अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं आ सकता है. सो दैट्स वाई दीज चेंजेस इज नोन एज टू बी एन केमिकल चेंजेस. बेस्ट एग्जाम्पल अगर हम दें तो दैट इज डाइजेशन के प्रोसेस में, हमने पढ़ा था कि डाइजेशन के प्रोसेस में जब हम फूड च्यू करते हैं तो स्टमक में वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल्स जो रहते हैं वो उस पर एक्ट करते हैं और उसको सॉल्यूबलाइज करते हैं. और ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जो हमने फूड क्यों किया हुआ है देन उसके बाद में जो केमिकल है जो प्रेजेंट है स्टमक में वो क्या कर रहा है, उसको डाइजेस्ट कर रहा है, मतलब ब्रेक डाउन कर रहा है फूड को. सो वो ब्रेक डाउन फूड को हम फिर से हमारे ओरिजिनल फॉर्म में लेकर आ सकते हैं, नहीं, इट इज़ इम्पॉसिबल. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी इन केमिकल चेंजेस. और डाइजेशन के प्रोसेस में हमें लास्टली में क्या मिलता था, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज मिलता था. सो दैट ग्लूकोज हम लोग अपने बॉडी में यूज़ करें, यूज्ड अप होता था. नाउ एग्जाम्पल में और अच्छे से एग्जाम्पल ले दो, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन. आयरन दैट इज आयरन जब रस्ट हो जाता है सो उसके ऊपर ब्राउन और ब्लैकिश कलर के उसमें लेयर्स बन जाती है, और वो बहुत क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन हो जाता है उसमें, बिकॉज जो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो आयरन के साथ में रिएक्ट करके उसको जंग, मतलब कोरोजिव बना देता है, और उस वजह से अगर उसको लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक वैसे ही अगर हम छोड़ दें तो वो आयरन जो है वो ख़राब हो सकता है. सो दैट इज़ नोन एज टू बी एन रस्टिंग ऑफ आयरन. कुकिंग ऑफ फूड, कोई भी फूड मटेरियल को अगर हम कुक करते हैं तो अगर हमने वेजिटेबल्स डालकर उसको कुछ फूड को एक रेसिपी के थ्रू अगर हमने कुछ फूड कुक किया हुआ है तो वो जो फूड है वो ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो दैट टाइप ऑफ चेंजेस इज नोन एज टू बी इन केमिकल चेंजेस. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, बटर टर्न रैंसीड, दैट इज बटर जो है वो सार एकदम उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाना, दैट इज़ सार हो जाना, मतलब हमें पता चल जाएगा कि जो बटर है वो ख़राब हो चुका है. नाउ रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स, एंड रॉटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, दैट इज़ फ्रूट और वेजिटेबल्स जो है वो सड़ जाते हैं, तो देन इट कांट बी कन्वर्टेड इनटू एन ओरिजिनल स्टेट. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस. हम नेक्स्ट लेक्चर में उसके डिफरेंस देखेंगे. थैंक यू.